24 इंच की जो बेस है 2024 में हम ही लेकर आए हैं, फिलहाल कोई और नहीं लेकर आया है। बाकी वाइब्रेशन के लिए 21 इंच की सबसे ज्यादा बेस हमने ही लगाए हैं अपने ट्रोले पर। जैसा हमारी धड़कन हिलती है ऐसी ये धड़कता है। धड़कन डीजे कुछ अलग ही करके दिखाऊंगा पब्लिक को। इससे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, जो हमसे करना चाहेगा वेलकम है उनका, बिल्कुल कर सकता है कोई भी। मामला केड़ा, ये नया लेकर आया, बटन दबाना काम तबा तोड़ कर देंगे। मुझे धोखा मिला था, उसके बाद धड़कन का फैन हुआ था। धोखा मिलने के बाद धड़कन का बात, क्योंकि दिल की धड़कन वो लेगी थी, उसके बाद धड़कन ये बना ली हमने। टेस्टिंग वो कर रहा है जो मांग के माल लाया है, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके माल में दम नहीं है, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके स्पीकर फूके हुए बांध रहा है, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके सेटों में जानने। गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और पे होगी थी, उसके बाद मैंने दल की धड़कन अपनी यह बनाई थी, तब से जी रहा मैं डीजे के भरोसे। नमस्कार, और हम आपके लिए लेके आ गए, आपकी दिलों की धड़कन को बढ़ाने के लिए लेके आ गए हैं धड़कन डीजे। तो जानते हैं धड़कन डीजे में ऐसा क्या है और इस बार वो क्या नया लेके आया है, तो बात करते हैं उनके ओनर से। तो आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनुज है। और अपने इस धड़कन डीजे के बारे में कुछ बता दीजिए। पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय भोले बाबा की जय श्री राम। धड़कन डीजे के बारे में जी, देखो जो पब्लिक है वाइब्रेशन किंग के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर, तो उसके ही लिए हमने इस बार वाइब्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, वो भी टेस्टिंग लगने ही वाली है कुछ टाइम में। तो बाकी सब यहाँ पे जो खड़े हैं सभी बता देंगे फिर से जो भी होगा। तो जैसे आप कह रहे हैं वाइब्रेशन किंग, तो ये तो सब अपने आप को बोल रहे हैं कि हम इतने बेस लेके आए, इतने बेस लेके आए हैं, आपके उसमें क्या कुछ खास है? हमारे उसमें खास ये है कि 24 इंच की जो बेस है 2024 में हम ही लेकर आए हैं, फिलहाल कोई और नहीं लेकर आया है। बाकी वाइब्रेशन के लिए 21 इंच की सबसे ज़्यादा बेस हमने ही लगाए हैं अपने ट्रोले पर, किसी और ने नहीं। ओके, तो इन्होंने कहा है कि इनसे अच्छा वाइब्रेशन बेस अभी किसी का नहीं है, तो ये अभी जानेंगे। अभी आप बता दीजिए आपका कंपटीशन कौन है? किससे कोई कंपटीशन नहीं है, जो हमसे करना चाहेगा वेलकम है उनका, बिल्कुल कर सकता है कोई भी। तो जो आपसे करेगा वेलकम है, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लीजिए, कॉम्पिटिशन के लिए रेडी है धड़कन डीजे। तो आप ये बताइए कि आप कितने दूर जाएंगे, कहाँ? हम मेरठ जाएंगे जी। मेरठ जाएंगे जी जी। अब यहाँ के और ऑडियंस से पूछते हैं कि ये धड़कन डीजे को देखने क्यों आए हैं, ऐसा क्या है इसमें, आप बता दीजिए। ये बस प्यार है भैया के लिए। धड़कन के लिए कि धड़कन डीजे के लिए कि इनके लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए। मैं भी डीजे ओनर हूँ, लेकिन जो प्यार है भैया के लिए बहुत ज्यादा है। और ऐसा क्या है इस बार धड़कन डीजे में नया? वाइब्रेशन। बस वाइब्रेशन नहीं, सब कुछ है, लेकिन ओवरऑल जो अपना धड़कन डीजे है वो वाइब्रेशन के लिए जाना जाता है, तो थोड़ा उस पे एक्स्ट्रा वर्क किया गया है इस बार। और तो इन्होंने कहा इन्होंने एक्स्ट्रा वर्क किया है, वो भी हम देखेंगे कुछ ही देर में, क्योंकि टेस्टिंग होने वाली है। आप बाकी लोगों से पूछेंगे, आप कहाँ से आए? मैम, मैं क्या मेरठ से। मेरठ से आप धड़कन डीजे देखने आए? जी मैम, स्पेशली धड़कन डीजे के लिए देखने के लिए आए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैम कि इसकी क्या फैसिलिटी बहुत अच्छी है। फैसिलिटी ऐसा क्या? मैम, इसकी बेस बहुत अच्छी लगती है और मैं इसे दिल से क्या मैं लव करता हूँ धड़कन डीजे को। तो आपको नहीं लगता बेस की वजह से काफ़ी शोर शराबा होता है? नहीं मैम, अच्छा लगता है, बल्कि और अच्छा लगता है कि क्या करें हमें जाते हुए भोले के उसमें। तो बेस की वजह से सब चलेगा? हाँ मैम, अच्छा लगता है, बहुत नाचते गाते जाते हैं। ऐसा तो और भी डीजे बेस बजा रहे हैं। तो मैम, इसकी क्वालिटी अलग है। क्या क्वालिटी अलग? जो भी क्वालिटी है आप देखना, दो मिनट में बजने वाला है ये, आपको पता पड़ जाएगा। जैसा हमारी धड़कन हिलती है वैसे ये धड़कता है। उन्होंने कहा जैसे इनकी धड़कन हिलती है वैसे ही ये धड़कन डीजे हिलेगा, और लोगों से भी जानते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए? मैम, मैं सहारनपुर से आऊँ, इनका बहुत कम से कम 6 साल से फ़ैन हूँ मैं, और करीब ये मान के चलो मैंने इनका भाई का सरदना साइड में रहता था मैं, मेरठ साइड में, तो इनका मैंने बुक भी कराया था, तब से लेके आज तक दिल की धड़कन में ही बसा है। धड़कन है डीजे नंबर 1 यूपी किंग, ऑल इंडिया किंग। आपके धड़कनों में माँ बाप नहीं बसे हुए, धड़कन डीजे बस? तो वो माँ बाप की जगह अलग होती है, ये डीजे के मामले का जो होता है ना, मैं ओनर हूँ डीजे का, मेरा डीजे अलग है, लेकिन हम तो अभी छोटे हैं, इनके चेले हैं हम तो। और जी है ना, वो फुल सपोर्ट है आपके डीजे की तरफ से। है? आपके डीजे की तरफ से इन्हें फुल सपोर्ट है। अनुज गुज्जर भाई को सल्यूट है, राणा की तरफ से, मैं ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, और सल्यूट है वहाँ तेरा, चौथा दिन है मुझे आते आते, आज भी अभी आकर खड़ा हुआ हूँ। अभी आप कह रहे हैं आपका छोटा डीजे है, तो अभी आप कह रहे हैं आपका छोटा डीजे है, तो ये कभी ना कभी बड़ा होगा ही, तो आप इन्हें कॉम्पिटिशन देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा उस्ताद है। उस्ताद है, कॉम्पिटिशन नहीं देंगे? धड़कन में इनकी जगह, धड़कन में डीजे, धड़कन ही कहते हैं। तो जैसा कि आप शोर शराबे से सुन रहे हैं कि कितना क्रेज है यहाँ। अरे रुक जा भाई, हम अपना परिचय खुद ही करा देंगे, मोहित तालियान मामला केड़ा। तो भाई, भाई ने जैसा भी दिया बहुत बढ़िया, यू है धड़कन डीजे मैडम।
धड़कन ही हिला दिए यार, जो स्पेशली आपने नाम पता नहीं किसी का पूछा होगा नहीं पूछा होगा, एक तो पिछा रहा जो बाहर का मामला है आपने शायद लिया बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो भी लिया एक उसके नाम का और दो तीन हो रहे हैं, मतलब मामला कह रही अगले साल का तो पता नहीं होगा ना होगा, लेकिन इस बार धड़कन डीजे कुछ अलग ही करके दिखाऊंगा पब्लिक को, मामला कह रहा। तो आपका खुद का डीजे भी है जी? खुद का ना डीजे, हम तो लाने वाले हैं, मतलब कमेटी वाले, हम तो एक हिस्सा है। अच्छा हिस्सा है, मामला कह रहा। ये मेरा भाई रवि चौधरी, अपना यूट्यूब पर देख सकते हो जी, मामला खेड़ा है अपना, ये अनुज भाई है अपना, मामला खड़ा है। तो जैसा कि ओके, तो आप बताइए इस डीजे के बारे में क्या खास? मैम सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, आपके व्यूअर्स को राम राम। मैं कहना चाहता हूँ ये डीजे धड़कन एक हमारे मेरठ का एक मेरठ की आन बान शान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आन बान शान है। हमारे अनुज भाई 2016 से मुझे याद है बहुत संघर्ष करते हुए, बहुत ही मेहनत करते करते यहाँ पहुँचे हैं, जो आज ये इतना बड़ा नाम पहुँचा हो। मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से यही कृपा करता हूँ कि हमारे अनुज भाई का डीजे का नाम धड़कन डीजे इतनी ऊंचाई पे ले जाए कि शायद जो इनसे जलते हैं वो जल जल के फूक जाए, मर जाए। और आप होर से ना पूछ के एक बार आप यूज़ करके देखो, चाहे मालिक को और इसको डीजे को अपना किसी फंक्शन में, दोनों में बराबर की वाइब्रेशन है। धड़कन डीजे की टेस्टिंग कब होगी? देखो टेस्टिंग मैम सभी को आपने देखा होगा, सभी डीजे टेस्टिंग मार रहे हैं। एक रावण डीजे जिसे हम बुक करके ले गए हमारे मोहित गुज्जर का, एक धड़कन डीजे हमारे मोनू भाई और अनुज गुज्जर का डीजे है। टेस्टिंग इस वजह से नहीं मार रहे हैं, साथ के साथ चलते टाइम मार रहे हैं, कारण होता है। आप ये माइक लेकर आई हो, आप नया लेकर आई हो तो आपको भरोसा है माइक बिल्कुल करेक्ट चलेगा, लेकिन आप किसी का मांग के लेकर आओगी तो इसे घर से टेस्ट करके लेकर आओगी कि ये चलेगा नहीं चलेगा, तो ये कारण हो डीजे में। और इन दोनों डीजे में यही फर्क है कि डीजे पूरा नया है, टोटल आगे वाला भी और पीछे वाला भी, रावण और धड़कन ये नया लेकर आए हैं। बटन दबाना काम तबा तोड़ कर देंगे। टेस्टिंग वो कर रहा है जो मांग के माल लाया है, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके माल में दम नहीं है, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके स्पीकर फूके हुए बांध रहा है, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके सेटों में जानने, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके जनरेटर फूके हुए, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसका माल सत बगड़ा है, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसका एक स्पीकर हिंदुस्तान बताएगा एक पाकिस्तान बताएगा, टेस्टिंग वो कर रहा है जिसके स्पीकर एक बस्ते भुगेगा एक बस्ते की कोल बाहर आएगी। इसलिए हम टेस्टिंग नहीं कर रहे क्योंकि हमारा सब कुछ नया, हमें भरोसा है ऊपर वाले पे अपने सामान पे भी, ताबा तोड़ बटन दब दे काम डाल देगा पूरा दमदार शानदार बर्जबोत। एक सेकंड मैडम ऐसा है, इसकी रात केवल टेस्टिंग होने की शुरुआत हो रही थी, केवल आरती में ही रोड टोल प्लाजा कितना बड़ा है वो जाम हो गया था, अंदाजा लगा लो, केवल आरती चलने पर ही बंद करना पड़ गया और सारे डीजे को यहाँ आना पड़ गया, ये अंदाजा लगा लो धड़कन डीजे की पावर कितना कैटा मामला। तो जैसे कि आपने कहा धड़कन डीजे ने धड़कन ही रोक दी होगी, हिला दे यू धड़कन हिला दे वाक्य में नुकरे। मैडम मैं बताऊ यो धड़कन है, यो धड़कन मैडम ऐसा रोक दे जैसे ब्रेकअप हो जा ना लोंडा लड़के का ब्रेकअप धड़कन से रोक जा, ऐसे रोक दे धड़कन, कुछ समझ में नहीं आता हो रहा क्या चारों तरफ। तो ब्रेकअप के बाद तो धड़कने दोबारा शुरू हो जाती है जब कोई नया मिलता है, तो इसे भी तो नए नए स्पीकर हर साल लेकर आता है जब भी, तो आप ब्रेकअप करते रहोगे फिर नया नया लेके आप हर बार नई कंपनी चेंज करके, ब्रेकअप हो जाएगा दोबारा नहीं आओगे कोई आओगा। मामला क्या है यार डीजे धड़कन का? सुन दो ये सवाल, अपना पर्सनल शायद वीडियो भी देख रहे होगे, हमें मिला भाई ब्रेकअप होने के बाद बहुत कड़े वाला मामला दोबारा, इसीलिए आप डीजे में आए ब्रेकअप के बाद? नहीं हर साल आवे हम तो मामला कड़ा करण, ब्रेकअप के बाद आपने सोचा चलो मैं धड़कन डीजे से ही काम चला लूं? नहीं काम क्या, अपना रावण है धड़कन है, काम चलाने वाली बात नहीं। मुझे धोखा मिला था उसके बाद धड़कन का फैन हुआ था, धोखा मिलने के बाद धड़कन का बात, क्योंकि दिल की धड़कन वो लेगी थी उसके बाद धड़कन ये बना ली हमने। आपकी गर्लफ्रेंड ने देखा नहीं कुछ कहा नहीं? गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और पे होगी थी, उसके बाद मैंने दिल की धड़कन अपनी यह बनाई थी, तब से जी रहा मैं डीजे के भरोसे। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है? नहीं है, अपने माँ बाप के सिवा और दूसरे धड़कन डीजे के सिवा किसी की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब में कितना उत्साह है, धड़कन डीजे टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करता, वो सीधा धमाल करेगा, तो देखते रहिए और धड़कन डीजे को धन्यवाद।